और एक सौ ग्यारह रुपए की हर वाला निरंजन लाल राठौर ग्राम महंगी कला, इन्होंने गले में हर पहना करके हमें सम्मान किया। हम परमात्मा से आराधना करेंगे और धर्म की ओर हाथ बढ़ाते रहे और सब बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ये गोविंद भगवान की मंगेश दुधिया जी कहा हो, शीघ्र कथा प्राणलाल ने दिखाई हो, और वरुण कैसे चुप जा बैठे हो, तुम आधा तो क्यों मिले हो, ठीक है तो आ जाने हो, स्वामी डाटा आएगी घर में जाएगी सोई रहे हो, आजू के दिन सोई रहे हो तुम तो? भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया योगी राज कृष्ण ने बलराम भैया से कहा, भैया ये लाखों के देव कभी पापों से नहीं मांगते, वही समय देरी नहीं करी, पैर पकड़ करके हाथी का अपना सिंह मारा, प्राण बघेरे उड़ गए उस हाथी ने, हाथी मार करके दोनों दांत उखाड़ करके एक दांत भगवान को ही लाने और बलराम के हाथ में दो और एक हाथ एक दांत अपने हाथ में, और कई भैया आप चलो, और जैसे ही दोनों भैया और दरबार में पहुंचे तो कंस ने कौन कौन योद्धा सामने और लगा दिए, उनका भी पद किया कैसे किया हो बताया। अरे हमारी आवाज़ की कौन, अरे हाँ तो
चंद्रपाल बाबा सेक्टर प्रभारी कहाँ हो? कंस के लिए आ जाओ, 5001 रुपया जेब में रख ली चली जाओ। वैसे ना जाओ, ऐसी कोई बात ना, ये तो सब हंसी मजाक की बात है। उस समय आता ये कथा के क्षेत्र में सुनता बंद करो। भगवान कन्हैया ने खेल ही खेल मुस्टे को चारों को पृथ्वी पर गिरा दिया और आकर के मंत्र जाकर के खड़े हो गए और मंत्र का ज्यादा ही खड़े भाई। और तब कही, मामा तेरी कसम खा रहे, तूने जो भी भेजा वो हमने हाथ से मारा और नहीं माने तो सुन क्या और सात दिन आगे भय दो कुल में और तेरे पूतना और भिजवाई बाबा कंसो की सात दिन आगे और भय दो कुल में तेरे पूतना भिजवाई और तेरी किस्म मारी गई हमने बेऊ लौटना पाई अपनी सेव की मैया की कसम गा रहे तो हमारे बाद में और सब बड़े बड़े पापी पंडित जी के तो बुला के लाओ, कंस को मारने के लिए तैयार हो जाओ जो भी है तो आए आए बहुत ही याद और समझाना अरे उम्मीद भैया चोई भैया कहा मकान रखा जान के देखो
पापा भैया तुम्हारे मांगने के लिए तैयार कर सके लिए और हम कह कवाई कर सकू मारिए चलो हलो हलो भैया दानदाताओं के सूची में आगे बढ़ते हुए 101 रुपए श्री जेसु दिवाकर कुशवाहा।